गाइस अगर आपका बजट 25,000 रुपए और भाई 25,000 रुपए के अंदर आपको कोई तगड़ा गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो भाई ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने टॉप 3 ऐसे फोन छाट के रखे हुए हैं जो आपको 25,000 रुपए के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। एंड अगर आप लोग PUBG या BGMI खेलते हो तो उसमें आपको स्मूथ के साथ 90 FPS का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा, और बाकी सारी चीजें भी आपको एकदम बढ़िया देखने के लिए मिलेंगी, लाइक कैमरा हो गया, बैटरी हो गई, सारी चीजें आपको एकदम बेस्ट देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। गाइस नंबर 3 पे जो फोन मैंने है उसका नाम है Realme X7 Max, जिसके अंदर आपको 6.43 इंच की AMOLED डिस्प्ले का पैनल देखने के लिए मिल जाता है, जो आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम लोग बात करें इसके गेमिंग प्रोसेसर की, तो इसके अंदर लगा हुआ है MediaTek Dimensity 1200 का गेमिंग प्रोसेसर, और ये वाला गेमिंग प्रोसेसर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस एकदम नेक्स्ट लेवल की निकाल के दे दे। अगर हम लोग बात करें PUBG की, तो इसके अंदर आपको स्मूथ के साथ 90 FPS का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम लोग बात करें इसकी बैटरी वगैरह की, तो इसके अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, साथ में आपको 50 वाट का बॉक्स के अंदर ही चार्जर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कैमरे की बात करें तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 64+8+2 MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप, जिससे आप लोग 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें इसकी सेल्फी की, तो इसके अंदर आपको 16 MP की फ्रंट सेल्फी देखने के लिए मिल जाती है, जिससे आप लोग Full HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी अगर हम लोग बात करें इसके प्राइवेसी की, तो इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाता है, 3.5 mm का हेडफोन जैक भी देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भाई हम लोग इसके प्राइस, तो इसका जो 8+128 GB का जो वेरिएंट है वो आपको 26,000 रुपए का ऑनलाइन प्राइस दिखाएगा, लेकिन इसके अंदर आप लोग बैंक ऑफर लगा के इसको 25,000 रुपए के अंदर खरीद सकते हैं। बाकी हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर वाले फोन की तरफ। तो यार मैंने नंबर 2 पे जो फोन रखा है उसका नाम है IQ Neo 6, तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 6.62 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले का पैनल, साथ में आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम लोग बात करें इसके गेमिंग प्रोसेसर, इसके अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 870 का गेमिंग प्रोसेसर, जो आपको PUBG के अंदर 90 FPS भी दे देता है। अगर हम लोग बात करें इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर आपको मिल जाती है 4700 mAh की बैटरी, साथ में आपको 80 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी कैमरे की बात करें, तो इसके अंदर भी आपको 64+8+2 MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आप लोग 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और 16 MP की फ्रंट सेल्फी देखने के लिए मिल जाती है, जिससे आप लोग Full HD पे 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी अगर प्राइवेसी की बात करें, तो इसके अंदर भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, 3.5 mm का हेडफोन जैक भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम लोग प्राइस की बात करें, तो इसका जो 8+128 GB का वेरिएंट है वो आपको 27,000 रुपए का देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आप लोग बैंक ऑफर लगा के इसको 25,000 रुपए के अंदर खरीद सकते हो। बाकी हम लोग बढ़ते हैं अपने नंबर 1 वाले फोन की तरफ, लेकिन यार उसको बताने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस नंबर 1 पे जो फोन मैंने रखा है उसका नाम है Redmi K50i, जो कि भाई एकदम गेमिंग मॉन्स्टर है। तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 6.6 इंचेस का IPS LCD का पैनल, जो आपको 144 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट वाला पैनल देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम लोग बात करें इसके गेमिंग प्रोसेसर की, तो इसके अंदर आपको मिल जाता है MediaTek Dimensity 8100 का गेमिंग प्रोसेसर। भाई साहब ये वाला गेमिंग प्रोसेसर जो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के देगा ना भाई, आप लोग एकदम मतलब मजा ही आ जाएगा। बाकी अगर हम लोग बात करें इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर आपको मिल जाती है 5080 mAh की बैटरी, साथ में आपको 67 वाट का चार्जर भी मिल जाएगा। अगर कैमरे की बात करें, तो इसके अंदर भी आपको 64+8+2 MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आप लोग 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 16 MP की फ्रंट सेल्फी देखने के लिए मिल जाएगी, जिससे आप लोग फुल एचडी में 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और ये वाला फोन आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ देखने के लिए मिल जाता है, 3.5 mm का हेडफोन जैक भी देखने के लिए मिल जाएगा। प्राइस की अगर हम लोग बात करें, तो इसका जो 6+128 GB का वेरिएंट है वो आपको 24,000 रुपए का ऑनलाइन प्राइस दिखाएगा, लेकिन इसको आप लोग बैंक ऑफर लगा के इसको 23,000 से 24,000 रुपए का खरीद सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। बाकी जो भी कुछ पूछना है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, फिर बाय बाय।